फिल्म द केरला स्टोरी की रिलीज के बाद भी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। सुदीप्तो सेन के डायरेक्शन में बनी 5 मई को रिलीज की गई इस मूवी को पश्चिम बंगाल में बैन कर दिया गया है। वहीं तमिलनाडु के मल्टीप्लेक्स में इसकी स्क्रीनिंग पर रोक लगा दी गई है। इसी को लेकर शबाना आजमी फिल्म के समर्थन में उतरी हैं। हालांकि एक्ट्रेस कंगना रनौत ने शबाना के बयान पर पलटवार करते हुए आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। द केरला स्टोरी पर बढ़ते विवाद को देखते हुए शबाना आजमी इसके समर्थन में उतरी। वेटरन एक्ट्रेस ने इसे लेकर अपने ट्वीट में लिखा, जो लोग द केरला स्टोरी पर बैन लगाने की बात करते हैं वे उतने ही गलत हैं, जितने कि वो जो आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा पर बैन लगाना चाहते थे। एक बार फिर किसी फिल्म को सेंसर बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन से सर्टिफिकेट मिल जाता है तो फिर किसी भी दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन अथॉरिटी का कोई रोल नहीं रह जाता। वहीं अब शबाना आजमी के इस ट्वीट पर रीट्वीट करते हुए कंगना रनौत ने अपनी बात रखी है। कंगना ने अपने ट्वीट में लिखा, ये बहुत ही वैलिड पॉइंट है, सिवाय इस तथ्य के कि किसी ने लाल सिंह चड्ढा पर प्रतिबंध लगाने के लिए नहीं कहा। लोग इसे कई कारणों से देखना नहीं चाहते थे। प्रमुख कारण ये था कि ये एक बहुत लोकप्रिय पुराने हॉलीवुड क्लासिक की रीमेक थी, जिसे ज्यादातर लोग पहले ही देख चुके थे। वहीं अब लोग कमेंट बॉक्स में जमकर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। बात करें द केरला स्टोरी की, तो इस फिल्म के ट्रेलर रिलीज के बाद से ही बवाल मचा हुआ है। फिल्म के लिए कुछ लोग समर्थन कर रहे हैं तो कुछ लोग इसके विरोध में खड़े हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।